हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर आपको किसी तरह का क्योरी है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी डाउट है आपको, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का खुद पर्सनली यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, तो आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा मैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, SH4TimesU-10। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक हम लोग इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कैंपस के बारे में बात करेंगे, फिर रैंकिंग के बारे में बात करेंगे इस कॉलेज का, कोर्सेज क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी फॉर इंजीनियरिंग मतलब बीटेक कोर्स के बारे में, फिर कोर्सेज अंडर बीटेक मतलब बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं, मतलब कौन कौन से ब्रांचेज मिलते हैं जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं उस कॉलेज में। सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में, फिर फी के बारे में बात करेंगे और प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। फी मैं आपको हॉस्टल फी और अकेडमी फी दोनों बताऊंगा, 4 साल में कितना लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैंपस से। ठीक है, तो कैंपस इसका जो है आपको 1979 में बना था, नागरभावी करके जगह है एक बैंगलोर में कर्नाटका में। ये आपको लगभग 15 किलोमीटर पड़ जाएगा बेंगलोर सिटी से। ठीक है, 15 किलोमीटर दूर है ये आपको, नागरभावी नाम का जगह है वहाँ पे है आपको, ये 15 किलोमीटर दूर है बेंगलोर सिटी से। तो यहाँ पे वो ये कॉलेज सिचुएटेड है आपको। ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस है और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। स्टार्टिंग में तो ये प्राइवेट के ही रूप में खुली थी, प्राइवेट ही था ये, बट उसके बाद क्या हुआ कि इसे गवर्नमेंट ने खुद ले लिया और वर्ल्ड बैंक इसको फंड करती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है ऑर्गेनाइजेशन वो इसको फंड करती है, तो ये इस कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मतलब गवर्नमेंट ही है अब। ठीक है, जैसे AICTE अप्रूव्ड है ये, फिर 26 एकड़ में इसका कॉलेज कैंपस फैला हुआ है। ठीक है, 470 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स मिल जाते हैं इसके कैंपस में आपको, मतलब इस कॉलेज में, जिसमें आपको 3500 प्लस स्टूडेंट मिल जाते हैं। फिर हॉस्टल होता है इसको इसके कैंपस में आपको, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लैब्स है, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, जिम है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाता है आपको, वाईफाई कैंपस है इसका, फिर बस सर्विस आपको मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं इसका 26 एकड़ वाले कैंपस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैंपस के बारे में, कुछ पिक्चर्स आप देख लीजिए इसके कैंपस का। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ऐसा कुछ कैंपस आपको दिख सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे NIRF रैंकिंग का। तो देखिए NIRF रैंकिंग जो 2020 में इस ईयर जो इसको मिला वो 251 मिला बीटेक के लिए, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में जितने भी हैं उस जिसमें आपको NIRF रैंकिंग है उसमें से इसको 251 नंबर पर रखी गई है। अगर वहीं लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इसको मिला था 163, तो देख सकते हैं इस एक साल में इसका रैंकिंग घटा है, बट ये उतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, उतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है मेरे लिए, वो आपके लिए मैटर करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने रैंकिंग बता दिया, बट मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मोस्टली जो है प्लेसमेंट और इसके फी स्ट्रक्चर मैटर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज मिलता है जो कि हम कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे BE भी कहते हैं या फिर BTEC, ठीक है, ये कोर्स आप कर सकते हैं यहाँ से, मतलब इंजीनियरिंग वाला। फिर MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं और MTEC भी आप कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज मिल जाता है। हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं BE या फिर BTEC मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में, इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर BE BTEC, मतलब इंजीनियरिंग अगर हम करना चाहते हैं, BTEC करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इस कॉलेज से, तो हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और कैसे एडमिशन मिलता है इसमें इस कॉलेज में। तो देखिए आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, जो कि 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के आपको PCM में एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए वो 45% मिनिमम होना चाहिए। अगर वहीं आपका कोई कैटेगरी है, अगर आप कर्नाटका से हैं तभी तो आपको कैटेगरी लगेगा, तो अगर आपको कर्नाटका से है कोई कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, तो आपको 40% चाहिए होगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एलिजिबिलिटी हमारा यही होता है 45% एग्रीगेट मार्क्स इन PCM। तो हम लोग बेसिकली कॉमेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो कॉमेट के का एलिजिबिलिटी यही होता है। इसमें आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कॉमेट के और KCET दोनों एग्जाम से होता है। अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं तो आप KCET दे सकते हैं, अगर आप कर्नाटक से बाहर के बच्चे हैं तो आपके लिए कॉमेट के है। ठीक है, कॉमेट के से आपको एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं
कोर्सेज अंडर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक, मतलब बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिलता है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है, फिर सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो ये सारे ब्रांचेज जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रांचेज चाहे वो ले सकते हैं, आपका कट ऑफ में बता दूंगा आगे, तो उस आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच उसमें मिल रहा है, आपको क्या किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में कि कौन सा ब्रांच में कितना सीट है। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और ईसीई के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 180 सीट है, इंफॉर्मेशन साइंस का 60 सीट है और ईसीई का 180 सीट है। ये इतने सारे सीट इस कॉलेज में मिलते हैं, कुछ सीट रिजर्व होते हैं केएससी सीट वालों के लिए, कुछ सीट रिजर्व होते हैं कॉमेड के वालों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हॉस्टल के लिए, तो हॉस्टल सेपरेट है बॉयज़ और गर्ल्स का, जिसमें आपको मेस का भी फैसिलिटी मिल जाता है, कैंटीन मिल जाता है जिसमें आप स्नैक्स वगैरह फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं, फर्स्ट एड और मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है, मतलब अगर कोई इमरजेंसी आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगा तो फर्स्ट एड वो दे देंगे कॉलेज वाले, बाकी के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह कुछ वैसा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ फर्स्ट एड वाला फैसिलिटी मिलता है। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाता है, वाईफाई है इस कैंपस में आपको, हॉस्टल कैंपस में वेल मेंटेन्ड हाइजेनिक रूम्स है। अगर मैं बच्चों के रिव्यू की बात करूँ कि बच्चों ने जो रिव्यू दिया है जो उस कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बताया है कि कॉलेज का जो रूम है वो तो रिनोवेट किया गया है बट बिल्डिंग बहुत पुराना है, तो कॉलेज का रूम हाल ही में रिनोवेट किया गया है बट बिल्डिंग पुराना है, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है तो बिल्डिंग तो पुराना हो गई। और खाना का ये रिव्यू आया है कि खाना का क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, साउथ के लिए अच्छा है बट नॉर्दर्न इंडियन वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है खाना क्वालिटी, तो खाना क्वालिटी शुड बी इम्प्रूव्ड, उन्होंने लिखा है कि फूड क्वालिटी शुड बी इम्प्रूव्ड, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है रूम वगैरह में हाइजीन मेंटेन किया जाता है और सारे फैसिलिटीज़ जो है आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, तो केसीईटी का कट ऑफ सबसे पहले डिस्कस कर दूँ 2018 का, और मैं जनरल का बात करूँगा राउंड टू का क्लोजिंग रैंक जो गया उसका, ठीक है, जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, और ओबीसी एससी एसटी का अलग रैंक होगा केसीईटी में, ठीक है। तो देखिए सीएससी का बात करेंगे तो 6953 गई थी, फिर इंफॉर्मेशन साइंस गई थी 11597, ईसी गई थी 10783, तो ये कट ऑफ हुआ इस केसीईटी का। कॉमेडी का अगर बात करें तो 2018 में गया था राउंड टू का क्लोजिंग रैंक, अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस गया था 18802, इंफॉर्मेशन साइंस गया था 27528, ईसीई का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गया था 37528। अगर वही 2019 की बात करें मतलब लास्ट ईयर की, तो सीईसी गई थी 18922 और इंफॉर्मेशन साइंस गई थी 30846 और ईसीई गई थी 56424। तो देख सकते हैं कट ऑफ लगभग सिमिलर ही होता है, बट अगर 2018 से अगर कंपेयर करें तो 2019 में ज़्यादा नीचे तक कट ऑफ चला गया था, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं राउंड टू का, तो इस हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा लिए होंगे कि आपका क्या रैंक आया इस बार, तो इसमें इस कॉलेज में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो आप अपना एस्टिमेट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फी के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमी फी, तो हम ईयर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखिएगा कॉमेडी का जो सीट मैट्रिक्स और फी स्ट्रक्चर जो आया है साइट पे, उस पर आपको इतना फी नहीं रहेगा, उस पर सिर्फ 2,01,962 रुपीज़ बताया गया है, बट वो एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा चार्जेज है, मतलब उसमें यूनिवर्सिटी फी एग्जामिनेशन फी ऐड नहीं की गई है। अगर वहीं आप इसमें ऐड करते हैं एग्जामिनेशन फी, एक्स्ट्रा फी, यूनिवर्सिटी फी, ये सब जो कि मैंने बात किया कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि आपको सारा कुछ इंक्लूड करके पर ईयर जो पड़ेगा वो आपको 2,35,000 पड़ेगा, ठीक है, पर ईयर 2,35,000 पड़ेगा ये इस कॉलेज का एकेडमी फी आपको बीटेक का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के ही सेम जो है फी सारे ब्रांचेज के ही है, कोई कोई कॉलेज में डिफरेंस होते हैं बट इस कॉलेज में जो है सारे ब्रांचेज के सिमिलर फी स्ट्रक्चर है, मतलब सारे ब्रांचेज के फी जो है वो सेम है, 2,35,000 पर ईयर आपको इस कॉलेज में पड़ जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 4 साल का तो वो आपको आता है 9,40,000, तो ये हो गया हमारा एकेडमी फी 9,40,000, सब इसमें इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी यूनिवर्सिटी फी, एग्जामिनेशन फी, मेंटेनेंस चार्ज जो भी होगा सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, तो वो आपको पड़ गया 9,40,000, ये हमारा आ गया 4 साल का, ठीक है, 4 ईयर्स का। अब हम वही बात करते हैं हॉस्टल फी का, तो हॉस्टल फी 60,000 से लेकर 1,00,000 तक वैरी करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है फैसिलिटी लेते हैं, मतलब सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, फोर शेयरिंग, उस हिसाब से आप पे जो है फी स्ट्रक्चर वैरी करता है हॉस्टल फी का। तो हम जो है 1,00,000 लेके चलते हैं, 1,00,000 पर ईयर, ठीक है, मान लीजिए हम सिंगल शेयरिंग ले रहे हैं, हमारा 1,00,000 पर ईयर पड़ा हॉस्टल फी पर ईयर, ठीक है, तो 1,00,000 अगर पर ईयर पड़ेगा तो हमारा 4,00,000 पड़ जाएगा, 4,00,000 पड़ जाएगा फोर ईयर का, ठीक है, 4 ईयर्स का। और हमारा जो था ये अकेडमी फी 9,40,000 और हमारा हॉस्टल फी आया 4,00,000, तो 9,40,000 को
9.4 लाख को 4 लाख से ऐड अगर करते हैं हम लोग तो वो हमारा आता है 13.4 लाख, मतलब 13,40,000 रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस कॉलेज में आपको 4 साल में लगभग से 13.5 लाख खर्च पड़ जाएगा हॉस्टल फी और अकेडमी फी दोनों मिला के। यहाँ अगर आप इसमें कम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना विजिबल है, यहाँ पे कम कर सकते हैं। अगर आप 60,000 वाला हॉस्टल लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। बट अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चलिएगा ना तो आपको लगभग 13.5 लाख पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 4 साल में इस कॉलेज में लगने वाला है अकेडमी फी और हॉस्टल फी दोनों मिला के। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो है इसका 90% बच्चे जो है लगभग प्लेस हो जाते हैं। जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं हर एक ईयर। अगर लास्ट ईयर कट ऑफ के प्लेसमेंट की डेटा की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो गया था हाईएस्ट पैकेज वो गया था 35 लाख पर एनम, मतलब इस ईयर जो हुआ, मतलब लास्ट वाले बैच जो पास आउट हुआ उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मतलब इस ईयर जो प्लेसमेंट निकला तो उसमें 35 लाख पर एनम गया, वो सीएससी का गया था हाईएस्ट, ठीक है। सीएससी का हाईएस्ट गया 35 लाख पर एनम। लोएस्ट पैकेज जो रहा वो 2.5 लाख पर एनम रहा और एवरेज रहा 6 लाख पर एनम। तो इस तरह से कुछ आपको पैकेज देखने को इस कॉलेज में मिल जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि कौन कौन से कंपनीज आते हैं, और कुछ डेटा तो मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिला क्योंकि इसके साइट पे प्लेसमेंट का कुछ एक्स्ट्रा डेटा नहीं है। मुझे जो भी मिला वो स्टूडेंट के रिव्यू से और मैंने जितना बात किया उसके हिसाब से, ठीक है। और जो प्लेसमेंट डेटा मैं बताया हूँ कि प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, हाईस्ट क्या गया, लोएस्ट क्या गया, वो मैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके मैं बात किया कॉलेज में। वहाँ पे आपको प्लेसमेंट का डेटा जानने के लिए नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप जाके खुद भी बात कर सकते हैं। तो मैंने उस पर बात किया क्योंकि इसका साइट पर कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दिया गया है स्टैट्स प्लेसमेंट का, तो उससे पता नहीं चला तो मैंने बात किया। और यहाँ पे दिखाया गया कि ये सारी कंपनी जो है आते हैं, सिम्फनी, IBM, इन्फोसिस, अमेजन, कॉग्निजेंट, विप्रो, सिस्को, सभी कंपनी, सारे कंपनीज यहाँ पे आते ही है, ठीक है। तो इसको आप वीडियो बहुत सारे देख सकते हैं कौन कौन से कंपनी आते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा इस कॉलेज के बारे में सारा कुछ, प्लेसमेंट फी और कैंपस रैंकिंग वगैरह सब कुछ के बारे में। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस कॉलेज का मैं आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट होगा इसमें आपको एडमिशन लेना या नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपको लगभग 13 लाख के करीब में पड़ रहा है और जो पैकेज एवरेज पैकेज है 6 लाख पर एनम है। अगर ये सही बताया गया है मुझे और मैं इसका कुछ कंफर्मेशन देना नहीं चाहूँगा, जहाँ तक मैंने रिव्यू देखा है तो वहाँ तक बच्चा का रिव्यू अच्छा ही आया है कि प्लेसमेंट अच्छा होता है इस कॉलेज में, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉलेज है और बैंगलोर में है और ट्रस्टेड है, तो इसमें कंपनीज बहुत सारी आती है, ठीक है। तो काफ़ी ऑफर बहुत रहेगा और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। वहाँ पे है कि आप कितना ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्लियर वर्ड में दूं तो हाँ ये कॉलेज वर्थ इट है, अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आपको ये ले लेना चाहिए। अगर आपको इससे अच्छा कोई ऑप्शन है तो उसमें जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी और तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।